Assalamualaikum friends, मेरा नाम है लतीफ गुमर है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो हमारा पास एलएलई लॉगिन होता है, तो अगर हम उसका पासवर्ड या यूजर नेम भूल जाते हैं तो हम उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, मैं अपने दोस्त का कहा था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। तो सबसे पहले आप अपनी मर्जी के ब्राउजर में जाइए, वहाँ पे गूगल में अटैक कर सकते हैं एनसीबी डायरेक्टली या फिर बैंक ऑफ, तो आप उसकी मेन साइट पर आ जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप राइट पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगी डिजिटल बैंकिंग की और अलहली ऑनलाइन और अलहली मोबाइल। तो आपको सिंपली जस्ट यहाँ से अलहली ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो ये हमें उसके मेन डैशबोर्ड पे ले जाएगी जो लॉगिन के लिए यूज़ होता है। तो इस पे आने के बाद सबसे पहले आप देखिए यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपके पास है तो आप वैसे भी रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सीधे से मतलब स्टार्ट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड यूजर नेम, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी प्लीज एंटर योर नेशनल आईडी इकामा नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना इकामा नंबर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए प्रोसीड की ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा नेक्स्ट टैब पे, तो ये देखिए माजा डेबिट कार्ड फ्रॉम एमसीबी, ये जो आपके पास एटीएम कार्ड इशू हुआ आता है ये उस कार्ड का यहाँ पे हमें नंबर एंटर करना पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट 16 नंबर का होता है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये सिंपली आपको हर कार्ड पर मिल जाएगा। मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से, ये एंटर करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है, तो ये एंटर करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एंटर पिन को, आपका जो एटीएम पिन है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसको प्रोसीड कर देता हूँ। पहले हमें पासवर्ड रीसेट करने को बोलेगा जो आपने यहाँ एंटर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद रिपीट पासवर्ड, एंटर करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर, जो आपका पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आपने बैंक में रजिस्टर करवाया होगा, उस पर ये एक मैसेज सेंड करेगा, वो जस्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मुझे वो रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए डियर कस्टमर योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज द एनरोल आप एनरोलमेंट एंड रेफरेंस नंबर, तो इसकी खैर जरूरत नहीं क्योंकि हमारा ये प्रोसीजर जो है वो कम्प्लीट हो गया। तो इसको यहाँ से फिनिश करता हूँ, अब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे एंटर करता हूँ यूजर नेम, पासवर्ड एंटर करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो लीजिए इसने मोबाइल पे हमारे ओटीपी सेंड किया है, 1 टाइम पासवर्ड, तो मतलब इसने उसको सेंड कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो हमारा सक्सेसफुली बहुत चेंज हो चुका है। मैंने यूजर नेम की जगह पर अपने कामा नंबर एंटर किया और पासवर्ड की जगह पे जो हमने नया पासवर्ड एंटर किया था वो हमने यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे उसको एंटर कर रहा हूँ। तो उसको सबमिट करने के बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ये आप देख लीजिए, आपको इसको चेक करना पड़ेगा, आप इसको रीड करें या ना करें, इसको चेक करने के बाद हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो लीजिए हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो इस वीडियो को लेना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीएम अमेला, अल्लाह हाफिज़।
Video tutorial with voice included.